आनंद कर रही हूँ अम्मी, मैं तुम्हारा बोर्डिंग पास देखना चाहती हूँ। तुम्हारा टिकट जरूर तुम्हारे साथ होगा, उसे तुम्हें ऑफिस में देना है ना? तुम तो ऑफिस के काम से दिल्ली गए थे। आनंद, आई हेट टू डू दिस, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया है, यू नो दैट, पर आनंद आई नीड दिस। मुझे अपना बोर्डिंग पास और टिकट दिखाओ प्लीज। हेलो मम्मा, 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 क्या है? जल्दी करो, चांद निकल आया है। थाली तैयार है? हाँ तैयार। आनंद आ गया? अभी तक तू नहीं आए। जाके देख और पिया को भी आवाज दे, मैं फोन करती हूँ। हाँ तू कर, मैं कलश और दिया लेके आती। पिया भाभी कितनी बातें कर रही हैं फोन पे। हेलो, अरे दिस इज टू मच। क्या हुआ? एंगेज जा रहा है। ये पिया भी ना, एक बार फोन उठाती है तो महीनों बात करती रहती है। जरूर अपनी बहन से बात कर रही होगी। अच्छा अब ताने देना बंद करो, चलो मेरे साथ। ले पकड़। झूठ की आवाज नहीं होती। पर सच की एक शक्ल होती है। तुम्हारा चेहरा सब बयान कर रहा है आनंद। आज मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। मैं जानती हूं ये सब उसके हाथ में है, लेकिन फिर भी मेरी एक प्रार्थना है कि तुम पर कोई तकलीफ ना आए, कोई आंच ना आए। बाकी दुनिया तो शायद इस दिन, इस तारीख को अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन मैं तो हर दिन, हर पल अगर उससे कुछ मांगती हूं तो वो तुम हो। तुम्हारी खुशियां,
तुम्हारी सलामती। आनंद मुझे बहुत डर लग रहा है, आज कुछ ऐसा मत कह दोगे? भाभी आप, अरे भैया आप दिल्ली से कब आए? I missed you. और आप यहाँ क्या कर रही है? ऊपर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। अच्छा हाँ, मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं। लो, मैं कब से आवाज लगा रही थी। मैं आती हूँ। हाँ। तो भैया कैसा रहा दिल्ली का ट्रिप? गुड। क्या हुआ? Are you okay? I'm okay. Just nothing. फ्लाइट ठीक ठाक थी ना? या सब ठीक था। बहुत काम रहा बॉम्बे। यार जल्दी कर बेटा। आनंद, अरे तू कब आता है कब जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है बेटा। पहले तो नीचे भी आता था, अब तो बस पिया से ही खबर मिलती है। और क्यों रे, तू आजकल दिल्ली के बड़े चक्कर लगा रहा है? अरे वाह पिया, तुम बहुत प्यारी लग रही है। ये साड़ी कब ली तूने? ये लाए थे दिल्ली से। हाँ पहले मेरे लिए भी लाता था लेकिन अब नहीं लाता है। खैर तू ना काला टीका लगा ले वरना नजर लग जाएगी, और वो भी उस मुई डॉली की। नहीं मम्मी, नजर तो अपनों की ही लगती है ना। ये बात भी सच है, शायद मेरी लग जाए, नहीं तो इसकी तो जरूर लगेगी। ले मैं ही काला टीका लगा देती हूँ। जल्दी करो ना, चांद छुप गया तो भूखा रहना पड़ेगा। अरे हाँ चलो चलो बेटा जल्दी चलो चलो। सुंदर है ना साड़ी? बहुत खूबसूरत है भाई, आप पे तो बहुत अच्छी लगेगी। रंग भी बहुत अच्छा है। क्या बात है। अरे तूने चेंज भी कर लिया, सीधे गाउन में आ गई। हाँ मम्मी, बहुत सफोकेशन हो रही थी और गर्मी भी लग रही थी। यू राइट, मैं भी अभी फटाफट चेंज करके आती हूँ। या बहुत सुंदर साड़ी है, कपड़ा भी अच्छा है रंग भी अच्छा है। कितने की पड़ी? आपको इससे क्या कितने की पड़ी, आपको अच्छी लगी ना साड़ी बस। वैसे ये पिंक कलर में भी थी, आपको पसंद हो तो मैं वो भी ले आऊँ आपके लिए। नहीं नहीं बस पूछ लिया, यही अच्छा लगता है। हर साल करवा चौथ पे तू मुझे साड़ी देती, अब तक 7 साड़ियां दे चुकी है। मम्मी आप गिनती रखना छोड़ दीजिए प्लीज। बहू के मामले में तो आप बहुत लकी हैं। कभी कभी मेरी भी तारीफ कर लिया कीजिए। लीजिए शुरू हो गई। कि सास के मामले में ये लकी है, क्यों मिलेगी ऐसी सास तुझे? तो कैसे हो बेटा? गुड, हंग्री। ओह पापा लीजिए ना, स्टार्ट कीजिए। इसे ऑन करो और मुझे बताओ वो कौन है। अनंत मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे मुझे महसूस हो कि मैं गिर गई हूं, इसीलिए इसे खुद ऑन करो और मुझे बताओ। कुछ भी नहीं जो तुम सोच रही हो। इसमें विश्वास है मेरा जो तुमने बंद कर दिया है या मिटा ही दिया है शायद। आनंद आज तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है, क्योंकि बात तो है ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानना चाहती हूं। Test positive.
यू आर प्रेग्नेंट. आनंद, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू. क्या तुम्हें नया कॉन्ट्रैक्ट मिला? कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी लाइफ होती है ना. तो फिर बताओ ना. नहीं भाई, ये तो तुम्हें घर आने पर ही पता चलेगा. मैं घर जा रही हूँ. तुमने बताया नहीं अपना फ्लाइट नंबर और कब आ रहे हो. सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स JK774. बोर्डिंग पास मैंने ले लिया. मैं एयरपोर्ट आ जाऊँ तुम्हें लेने. तुमने पहले से ही रख रखा है. और क्या क्या करोगी तुम? बहुत ऑल राइट. बल्कि मेरा ध्यान हट जाएगा खाने और पीने से. इनफैक्ट टाइम भी पास हो जाएगा. स्वीटी, आई विल बी देयर माय जान. ओके. सॉरी मैम, इस नाम का कोई भी आदमी इस फ्लाइट पर नहीं था. आप एक बार फिर चेक कर लीजिए प्लीज, शायद आपसे कोई गलती हो रही हो. या तुमने ये मंगलसूत्र नहीं पहना. बाहर टेबल पर तुम्हारे लिए दूध और दवाइयां रखी हैं. ट्रीजा सो गई है, खुद ले लो प्लीज. पिया प्लीज. मैं ही ले आती. पिया या तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. तुमने सवाल कहाँ किया आनंद? तुमने तो जवाब ही दिया. और उसका जवाब मैं क्या दूं? या तुमने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना? मैं पहनूंगी आनंद, जरूर पहनूंगी. ये तो मेरा ही है. लेकिन इस बार इसे पहनने से पहले मैं जानना चाहती हूं कि इसके बंटवारे में कौन है. मेरे इस जेवर का हिस्सेदार कौन है? मेरी मांग को किसके साथ बांटा है तुमने? मेरी इस बात का जवाब है तुम्हारे पास आनंद? या मैं यूं ही पहन लूं इसे सिर्फ इसलिए कि तुम कह रहे हो और बाकी सब भूल जाऊं कि इसकी अहमियत क्या है, इसे क्यों पहनाया जाता है, पत्नी पति के लिए व्रत क्यों रखती है, सात फेरों के कोई मायने होते हैं या नहीं? मैं सब भूलने को तैयार हूं आनंद, अगर तुम कहो. I'll do as you say. लज्जा की जिम्मेदार सिर्फ औरत नहीं होती आनंद, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इंसान जो अपने बीवी के मंगलसूत्र को दो हिस्सों में बांट सकता है, वो उसे कई हिस्सों में बांटने में हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि उसमें गिल्ट तो सिर्फ पहली बार होती है, उसके बाद तो आदत बन जाती है. Look at me, Anand. Anand, मेरी आंखों में देखो. कह दो कि ये सब झूठ है. Say it, please. पिया, ये सच है कि मेरी जिंदगी में कोई है?
There's a woman in my life.